उसकी एडवांटेज क्या होती है सिटी में कि आपको एक तो बहुत जल्दी साइड मिल जाती है, हैवी गाड़ी है, हर बंदा गाड़ी हॉर्न बजता है देख के साइड दे देता है। तो एक ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, जो मेरा डेस्टिनेशन 40 मिनट में होना है इससे मैं 30 मिनट में हो जाता है। गाड़ी में ये फील कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भी बिल्कुल साइलेंट, स्मूथ है, साइलेंट है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी है वैसे इसमें, मतलब एक एहसास नहीं आ रहा है कि आप एक भारी भरकम और हैवी गाड़ी चला रहे हो। तो आज हमारे पास है मासिव अमेरिकन एसयूवी, फुल साइज एसयूवी जो है एंडेवर, और सबसे बड़ी बात यह है 3.2 लीटर में है और लगभग 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इसके जो ओनर हैं वो भी हैं हमारे साथ जिनका नाम है गर्व। हेलो। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इनके पास एंडेवर ही थी जो कि लगभग 1.40 के आसपास आपने चलाई थी। इतने तगड़े फैन है एंडेवर के कि दोबारा से एंडेवर ही लेकर के आए हैं। सारी चीजें आपके पास रखेंगे कि क्या कुछ खर्चा आता है, कितने की इन्होंने ये ली थी, और क्या ऐसा फोर्ड ने दिया कि दोबारा से फोर्ड के ऊपर ही गए। ये तब से उन दिनों के फैन है जब फोर्ड थोड़ी सी बदनाम थी कि भाई बहुत ज्यादा चार्जेस करती है सर्विस वगैरह को लेकर के, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्च्यूनर पे क्यों नहीं गए, जबकि ऑलमोस्ट डबल है फॉर्च्यूनर की सेल्स, डबल क्या उससे भी ज्यादा है फॉर्च्यूनर की। ठीक है, तो आइए जानते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, क्योंकि बहुत सबसे पहली बात तो इस चीज की भाई जरूरत पड़ती है, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्ग वगैरह अगर बैठते हैं चढ़ते हैं तो हम लोग तो वैसे भी चढ़ सकते हैं लेकिन उनको जरूर थोड़ी सी तकलीफ होगी एकदम से, क्योंकि काफी ऊंची गाड़ी है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है और इतनी ज्यादा नॉइज नहीं करता है अभी, और आइडल कंडीशन में नॉइज नहीं कर रहा है, चला के देखते हैं तब नॉइज करेगा तो आपको पता चल ही जाएगा। गुर्राहट वही है। तो स्लो स्पीड पे काफी लाइट है, मतलब बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में सेगमेंट में ना सबसे लाइट, कितने प्यार से घूम रहा है देखो। और मेरे ख्याल से ये एक रीजन था जी फॉर्च्यूनर पे ना जाने का, और इस पे हाँ ये एक मेन रीजन था, क्योंकि एक तो कंपनी क्लेम करती है कि 5% एफिशिएंसी का फर्क आता है फ्यूल में बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक है, एंड आपका ये हैंडलिंग जो है ये एजाइल है क्योंकि आपको मैन्यूवर करना है सिटी में, खासकर बम्पर टू बम्पर में आपको, ठीक है इट्स अ मैसिव कार लेकिन आपको सिटी में लगता नहीं कि आप बड़ी कार को चला रहे हैं, लेकिन आप हैचबैक जैसी कोई छोटी गाड़ी। तो यार एक बात बताएंगे आप हमें कि मतलब 30,000 किलोमीटर में पेड सर्विस तो इसकी एक बार हो चुकी होगी, तो उसमें कितना खर्चा आया है मैक्सिमम आज तक इसकी सर्विस में? सर्विस में टोटल इसका अगर हम 30,000 तक करते हैं तो 3 सर्विसेज हैं इसमें, ठीक है जी। इसमें टोटल आपका जो था पहली सर्विस में 4,000 था, देन आपका जिसमें लेबर नहीं था, देन उसका आपका सेकंड सर्विस जो 20,000 पे थी वो आपकी अराउंड 7,600 थी, जो अभी रिसेंटली मैंने कराई थी सर्विस इसमें वो अराउंड 10,000 के आसपास था, जिसमें एयर फिल्टर और आपका एसी फिल्टर रिप्लेस एड ऑन हुआ था इंजन ऑन जी। तो यार ये तो बड़ा ही मतलब कि कितना कम प्राइस इसका लग रहा है, लगभग 35 लाख की गाड़ी है ये और उसमें आपको सर्विस कॉस्ट काफी कम आ रही है, और ये कह रहे थे कि इससे पहले वाली जो गाड़ी थी उसका भी लगभग 7,500 के आसपास ही आता था आपका उसका, सर्विस उसका भी पहले इतना ही आता था क्योंकि वो 4x2 2.5 इंजन था, तो उसमें 7,000-8,000 के बीच में सर्विस 2010-2015 तब तक 9 ईयर्स मैंने रखी है, तो सर्विस उसका यही था कॉस्ट। अच्छा ये बताइए कि ऑफ रोडिंग करते हैं आप इस गाड़ी से कभी की मतलब? ऑफ रोडिंग वैसे तो नहीं की, बट हाँ रिसेंटली जैसे मैं अभी अपने एक एनिवर्सरी के लिए गया हुआ था जयपुर साइड पे, तो नेविगेशन ने मुझे डीरूट कर दिया बाई जन विलेज साइड पे, वहाँ पे वो रोड नहीं थी, वहाँ पे एक ऑफ रोडिंग सा एक सेटअप बना हुआ था, सो वहाँ पे मैंने हाँ उसको फर्स्ट टाइम यूज किया था, जो इसका सैड मोड है या लॉक मोड है, डिफरेंशियल लॉक जैसे सिस्टम इसका है, तो इजिली मैनूवर करके मैंने उसको ले लिया था, तो कोई इसमें ऐसा कुछ झटके वगैरह नहीं थे, इजिली फैमिली पूरी फैमिली थी तो कम्फर्ट जोन में था, इजिली हो गई थी नेविगेशन को भी एहसास हो गया भाई एसयूवी आपके पास कभी तो ऑफ रोडिंग कर लो, तो उसने बाद में बाकी लोगों को भी वही रास्ता दिखाया होगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी मतलब कि अभी या पुराने वाले के अंदर जैसे पार्ट वगैरह कोई चेंज हुआ तो उसके लिए कभी आपको गाड़ी छोड़नी पड़ी कि भाई 2-3 दिन के अंदर कोई पार्ट आ रहा है या कुछ ऐसा? पुरानी वाली के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस इनिशियली था कि गाड़ी 2 साल ही हुए थे वारंटी में थी, तो उसमें आई गेस कोई कंपनी का वायरिंग का एक फॉल्ट आ गया था,
उसके लिए आई गेस उन्होंने 7-8 डेज लिए थे क्योंकि उसके लिए अप्रूवल के बाद उन्होंने मेरे से काम कराया था, तो उसमें टाइम लग रहा था। अदरवाइज कोई भी छोटा मोटा फॉल्ट है पार्ट है तो वो सेम डे ही अवेलेबल था उनके पास। उसके लिए और कोई इशू नहीं था। जो पुरानी एंडेवर थी, जो अभी वाली जनरेशन है इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी सारे अवेलेबल है क्योंकि जो आपकी साइकिल सर्विस पैटर्न बना हुआ है जो रिक्वायर्ड है इसमें। एक प्लस पॉइंट क्या है कि फोर्ड का, क्योंकि मैंने हरप्रीत फोर्ड से ही सारी सर्विसेज कराई हैं। जी जी। तो वहाँ पे प्लस के ठीक है, आपको एक शुरू में एक जॉब कार्ड दे देंगे कि ये कंपनी एड ऑन भी कर देते हैं कि क्या आपको लगता है रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें प्लस पॉइंट के जैसे आपको मैंने बताया कि एसी फिल्टर और एयर फिल्टर था, तो उसने मेरे को जनरली वीडियो कॉल करी, उसने पहले मुझे अप्रूवल लिया दिखा के। ओके। अदरवाइज कोई और होती तो पूछता भी नहीं, करा देता रिप्लेस। उसने मुझसे अप्रूवल लिया, मैंने कंफर्म किया व्हाट्सएप पे उसको जो उनका लिंक है, फिर उन्होंने काम किया, फिर वो जो भी उस पर डिस्काउंट करके जो उनका चलता रहता है उस पर 15% और लेबर वेट और डिस्काउंट से उन्होंने वो करके उसको कर दिया। ये बताएंगे आप कि कभी आपने फॉर्च्यूनर तो बिल्कुल चलाई होगी आपने, तो डिफरेंस क्या लगता है? और साथ में ये भी बताना कि 2.2 वाला जो इंजन है लीटर वाला उस पे क्यों नहीं गए जब आपकी ऑफ रोडिंग है ही नहीं, बाई चांस ऑफ रोडिंग करते हैं आप? हाँ, तो एक्चुअली रीजन ये था कि मैं पहले फॉर्च्यूनर को आपको बता देता हूँ कि मैंने फॉर्च्यूनर को क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका रीजन ये था कि एक तो हेडरूम का फर्क था थोड़ा सा उसमें। अगर आप हेडरूम देखेंगे इसे थोड़ा सा कम है एंडेवर से, प्लस उसमें जो फीचर्स है वैल्यू फॉर मनी, जैसे उसका जो आप डैशबोर्ड देखेंगे जो लेआउट है वो थोड़ा अपराइट है, तो आपको थोड़ा हिंड्रेंस आता है बोनट से ना। इसमें आपका लेआउट भी सही है, प्लस जो आपका डिस्प्ले है इवन आप ब्राइटनेस में देखेंगे तो इजिली आपको जो उसका यूआई है बहुत इजी है, टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा, लैग नहीं है इसमें, तो ये भी प्लस था। प्लस इसमें जो फॉर्च्यूनर से एक मेन चीज थी कि जो आगे की सस्पेंशन है इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, उसमें आपकी जो है वो जो आती है उसमें डबल विशबोन आती है, तो इसमें क्या अगर आपके राइट साइड में अगर आपको पॉटहोल आएगा इसमें आपका, तो आपको पूरी गाड़ी नहीं देगी, क्योंकि इसमें टॉर्शन बार जो नीचे लगा हुआ वो आपकी पूरी गाड़ी निकलेगी, तो आपको इतने नहीं है। प्लस उसमें वाइब्रेशन बहुत है, अगर आप अभी वाले मॉडल में भी देखेंगे जो उनका लेजेंडर मॉडल आया है उसमें भी जितने भी रिव्यूज है उसमें भी वाइब्रेशन अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है गाड़ी में। बट इस गाड़ी में ये फील कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भी बिल्कुल स्मूथ है, साइलेंट है, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन भी है वैसे इसमें, मतलब एक एहसास नहीं आ रहा है कि आप एक भारी भरकम और हैवी गाड़ी चला रहे हो। सस्पेंशन भी काफी अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं इस गाड़ी के। आप जब सर्विस के लिए लेकर के जाते हैं तो ऐप वगैरह देखते हैं? इसमें आप इसमें फूड पास तो अब आया है, उसमें इनका थोड़ा मेरी लास्ट टाइम भी सजेशन मैंने उनको दिया था कि उसमें जो सर्विस जैसे मैंने अभी कराई थी 23rd मार्च को, मैंने कल भी देखा, तो उसमें जो इनका अपडेशन है सर्विस का वो पता नहीं क्यों टाइम लगा के करते हैं अपडेशन, वो मे बी वो यूज टू नहीं, क्योंकि वो नई चीज है, एक ये फर्क है उसमें। लेकिन ये कि इसमें जो फोर्थ सर्विस प्रॉमिस में अगर आप जाएंगे तो उसमें आप जो भी इंटरवल सर्विस का डालेंगे, ईयर डालेंगे, किलोमीटर्स करेंगे, तो उसमें आपकी कॉस्ट आ जाएगी मेंशन होगी, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं कि उतना ही लगेगा या थोड़ा वो ऊपर जो रिक्वायर्ड होगा वो आप देख सकते हैं कितना रिक्वायर्ड है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है वो चीज़, ये फर्क आ जाता है इसमें। और हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट और है जो फॉर्च्यूनर से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसका, कि इसका अगर आप टर्निंग रेडियस देखेंगे, अगर आप एक बार टर्निंग रेडियस करेंगे तो आपको बहुत ईजी है, क्योंकि स्टीयरिंग भी लाइट है ना, तो एक आपके वन गो में हो जाएगा, कोई रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल 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 एहसास ही नहीं होता है। और बड़े प्यार से घूम जाती है गाड़ी। हाँ, इसमें और जैसे जैसे इसका साउंड, जैसे अभी भैया ने बताया कि इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है क्योंकि आगे इनका कंट्रोल मॉड्यूल है, तो वो आगे ऊपर माइक्रोफोन है, तो उनके थ्रू सेंस करके उसको वो कर देता है। प्लस एक इसमें क्या है कि जो फॉर्च्यूनर में नहीं है, एक तो बूट स्पेस कम है अगर आप थर्ड ओ भी ऑफ करते हैं, ये फर्क है। एक ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी फॉर्च्यूनर की कम है इससे, देखें ये 225 है, वो 221 थी, अब का नहीं मुझे पता कितने, अब आई गेस कैटलॉग में 225 मेंशन करते हैं, बट पहली वाली का कम था। लेकिन फॉर्च्यूनर की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इससे थोड़ी सी बेहतर है। हाँ, वो फॉर्च्यूनर की है, उसका रीजन ये है कि फॉर्च्यूनर का कि अगर हम ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज में जाते हैं तो उसमें ठीक है, नो डाउट फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी आपको ईजी है, कम्फर्टेबल कि आपको ईजी गाइड कर देगी। यस, लेकिन ऑफ रोडिंग भैया देखो ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेरेन पे आप जा रहे हो। अगर मैं जाऊंगा, मैं इतना जरूरी है कि मैं वैसे टेरेन में जाऊंगा जहाँ पे आपकी सिचुएशन आ गई, जैसे जीपीएस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो नेविगेशन मुझे जहाँ पे ले गई थी, तो वहाँ पे अगर इजीली ग्लाइड करके ले गई तो मेरे लिए तो एडवांटेज हो गया इस गाड़ी में।
या दूसरी बात ये भी आप लगा लीजिए 70-80% लोग जाते भी नहीं है, गाड़ियां उनके पास ऐसी होती हैं लेकिन जो उनको कैपेबल जो है वो गाड़ी उसका भी फायदा इतना ज्यादा नहीं उठाते वो लोग। और आपने इसमें वैसे 2.2 का भी अभी आपने पूछा था कि 2.2 मैंने क्यों नहीं बाय करी, उसका एक मेन रीजन ये था कि तो फीचर्स जो एड ऑन थे जो प्राइस फैक्टर दोनों में डिफरेंस था वो इतना ज्यादा नहीं था, प्लस क्योंकि वन टाइम कार है आपने ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखनी है तो डिफरेंस इतना नहीं था, अगर आप उस रेंज में जाते हैं थोड़ा ऐड करके आपको इतना फर्क नहीं आएगा। मेजर जो उसमें फर्क था इंजन का, क्योंकि वो 2.2 था वो 160 पीएस की पावर थी और 420 एनएम का टॉर्क था उसमें, इसमें आपका अराउंड 200 का आपका इसमें 470 न्यूटन टॉर्क है इसका, एक ये मेजर फर्क था। प्लस अगर आप प्रॉपर फैमिली सेट है प्लस आपका लगेज है तो 2.2 में थोड़ा आपको लेटर और 100 जैसे आप स्ट्रेच करेंगे थोड़ा आपको लगेगा कि आपको 3.2 रिक्वायर्ड है, उसमें इनिशियल टॉर्क ज्यादा है लेकिन जैसे ही आप 100 से प्लस में जाएंगे और पूरी गाड़ी आपकी पैक्ड होगी तो आपको तब रियलाइज होगा कि 3.2 ज्यादा वैल्यू का। जो अभी 2 लीटर इंजन के साथ आई है उसका एक्सपीरियंस लिया कभी आपने? हाँ भैया उसमें एक्सपीरियंस लिया था, उसमें अगेन अब ये चला लेंगे आप 3.2 और अगर आप वो मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी जब नहीं आई थी उसमें प्रॉब्लम वही था, ठीक है उन्होंने 10 स्पीड आपको गियरबॉक्स दे दिया बट जो वो पावर जो आपको गाड़ी हैवी है ये वाली तो आपको जो 3.2 चलाने के बाद आप चलाओगे तो आपको लगेगा नहीं यार वो बिल्कुल ही कट डाउन कर दी इन्होंने, जैसे फॉर्चुनर में इन्होंने बढ़ा दिया था वो सिटी के लिए सिटी इन द सेंस वो ठीक है, आपको जो फर्स्ट टाइमर बाहर है उसके लिए तो इतना नहीं फर्क होगा, जिसने 3.2 चलाई होगी उसको फर्क दिखेगा। आपने उसमें एक चीज नोटिस करी ऑल द टाइम उसमें गियर शिफ्टिंग होते रहता है। एक इसमें प्लस पॉइंट और है कि इसमें लिमिटर है, स्पीड लिमिटर फॉर्चुनर का मुझे नहीं पता है या नहीं है, जैसे अगर कैमरा इंस्टॉल्ड है तो मोस्टली क्या होता है मैं स्पीड लिमिट 50 पे सेट कर देता हूँ कि चलो इजी है क्योंकि बम्पर टू बम्पर में वैसे 40-50 से ऊपर गाड़ी तो चली नहीं सकती, थोड़ा बहुत भी अगर रूट दिखता है तो हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें लिमिटर है ये एक एडवांटेज है क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है तो इसमें पता नहीं चलता कब आप 80 पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा एक इसमें एक फीचर का प्लस पॉइंट है। हमने आपसे एवरेज की बात नहीं करी अभी तक। हाँ जी भैया क्या देती है एवरेज? भैया देखो अगर आप लाइट फुट है तो बम्पर टू बम्पर है जैसे मेरा डेली में वैसे चलती है तो 9.8-9.9 करता है बट 9 के आसपास इसकी एवरेज है, इसके एवरेज सिटी में है 9 के आसपास। एंड अगर आप यही हाईवे पे अगर चले जाते हैं और फुल फैमिली के साथ है लगेज भी है तो ये आपको ड्राइविंग क्योंकि मैं क्रूज कंट्रोल में इसको कर देता हूँ 100 के आसपास स्पीड पे सो वो जो एवरेज उस टाइम आती है वो आती है अराउंड 12.5 या 13 के बीच में आ जाती है। मैक्सिमम कितने निकाली है कभी? मैक्सिमम भैया मैं अकेला था चंडीगढ़ ही गया था नंबर के लिए फादर के साथ, मैं फादर क्योंकि तब इतना लगेज नहीं था फैमिली नहीं था तो 15 भी आ गई थी हाईवे पे क्रूज कंट्रोल पे। अच्छा। ये बात है इनिशियल जब मैंने गाड़ी ली थी तो तब की बात है चंडीगढ़ से तो मेरे को पता है कि एवरेज कितनी आ रही थी क्योंकि मैं एक दो बार मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ा था इसके तो एवरेज उस टाइम 14.5 भी आ रही थी 15 भी आ रही थी तब सर्विस भी नहीं हुई थी। आगे से तो बहुत आवाज करती है स्पेशली नीचे वाले एरिया से, ऊपर नहीं आती आवाज इसके। वैसे उस टाइम पे ये कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड? भैया मेरे को ऑन रोड पड़ी थी अराउंड 35-20 के आसपास। अच्छा चंडीगढ़ में। फॉर्च्यूनर थोड़ी सी रॉ है और ये स्मूथ है काफी ज्यादा, हाँ, मतलब ये थोड़ी आराम पसंद लोगों के लिए ना अच्छी गाड़ी है ये। वैसे आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर चलाते हैं इसको इजी कितनी लगती है आपको ये ड्राइव करना? भैया इजी ये है कि सिटी में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मैं इसमें जनरली क्या होता है कि मैं इसमें गाड़ी होंडा सिटी को नहीं प्रेफर करता बिकॉज इसके एडवांटेज क्या होती है सिटी में कि आपको एक तो बहुत जल्दी साइड मिल जाती है, हैवी गाड़ी है हर बंदा गाड़ी हॉर्न बजता है देख के साइड दे देता है तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, जो मेरा डेस्टिनेशन 40 मिनट्स में होना है इससे मेरा 30 मिनट्स में हो जाता है क्योंकि कंफर्ट जोन मिल जाता है। प्लस ड्राइविंग प्लेजर जब आप ये वाली गाड़ी चलाते हैं इसमें स्टीयरिंग सिटी के लिए बहुत अच्छा है तो इसमें प्लस एवरेज ठीक है बम्पर टू बम्पर में एवरेज 9 जैसे मुझे दे रही थी तो इसकी पिकअप राइड हैंडलिंग सब कुछ बहुत स्मूथ है इस गाड़ी, आपको लगता ही नहीं कि आप कोई हैवी गाड़ी चला रहे हो, बहुत एडवांटेज है इस गाड़ी। तो ये बताइए कि अभी आपको कोई गाड़ी लेनी होती एसयूवी इस रेंज में तो अभी आप एंडेवर को कंसीडर करते क्या? मैं अभी अब जो मॉडल आ रहा है मैं उसको कंसीडर नहीं करता क्योंकि उसमें जो इंजन का है प्लस थोड़ा इनको जो भी चेंजेस कॉस्मेटिक चेंजेस अब क्योंकि फॉर्च्यूनर नहीं आ गई है तो मैं
फॉर्च्यूनर भी नहीं अगर मैं करता हूँ फिर एमजी ग्लॉस्टर करता हूँ कंसीडर, क्योंकि फीचर्स हैं सब कुछ है प्लस कैप्टन सीट्स हैं, तो थोड़ा वो और फ्यूचर की तरफ डिजाइन है, तो वो एक होता कंसीडरेशन। ठीक है, लोग उसे चाइनीज कहते हैं बट वॉल्वो भी एक चाइनीज कंपनी है, तो वो ठीक है, उसको मैं फिर भी कंसिडर करता अगर आज मेरे पास ऑप्शन होता ग्लॉस्टर। फॉर्च्यूनर नहीं, क्योंकि फॉर्च्यूनर के साथ थोड़ा वैल्यू फॉर मनी कभी नहीं मिला। कब तक रखने का इरादा है इस गाड़ी को आप? इस गाड़ी को तो भैया अभी लगा दीजिए कि 7-7 साल तो मैं और रखूंगा इस गाड़ी। 5-7 साल और रखोगे जब तक इलेक्ट्रिक का आ जाएगा पूरा हिसाब? जब तक इलेक्ट्रिक का भी आ जाएगा तो सिचुएशन मार्केट में पता चलेगी, जैसे अब अभी पता चलेगी टेस्ला का तो मॉडल बेसिक मॉडल है वो आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि उस अब आने वाले टाइम पे फ्यूचर तो वही है, तो क्या ऑप्शंस आती हैं वो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों बातों में आपको पता चल गया होगा कि 9 के आसपास ये जो है एवरेज निकालती है, वैसे बता रहा हूँ बॉडी रोल है गाड़ी के अंदर, इतनी बड़ी गाड़ी है तो बॉडी रोल ऑफ कोर्स आपको मिलेगा ही, लेकिन कैबिन जो है ना 3.2 के हिसाब से काफी आपको शांत लगने वाली है और बहुत ही मतलब कि आपको लगेगा फील होगा प्रीमियम जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह दिया गया है, पूरा जो है ये पैटर्न दिया गया है स्टिचिंग वगैरह का और ये सारी चीजें, तो सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो जो होने चाहिए इस टाइप की गाड़ियों में इतने प्राइस पे करने के बाद। स्टीयरिंग वास्तव में काफी लाइट आपको फील होगा यार, ब्रेक वेट भी काफी अच्छी है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की फॉर्च्यूनर से। हाँ, एक फर्क है फॉर्च्यूनर में इनिशियली भी प्रॉब्लम थी 2010-12 में बहुत केसेस हुए थे एक्सीडेंट ब्रेकिंग के चक्कर में थे, बट इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। आप पैनिक ब्रेक करेंगे तो इसकी एकदम से आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ ब्रेक लग जाएंगे, ये बहुत इसका एडवांटेज है। इसका जिस हिसाब से दिखती है ना बिल्कुल मासिव, उस हिसाब से मतलब उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट चलती है ये गाड़ी, मतलब बड़े प्यार से चलती है, इजी टू ड्राइव है ये गाड़ी। कभी पीछे की सीटों का इस्तेमाल किया है आपने? थर्ड रो मैंने, हाँ वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गया है, कहीं रेस्टोरेंट में जाना फैमिली के साथ, फादर के आगे तो मैं पीछे बैठ गया, तो थोड़ा वो था ठीक है नो डाउट। आप आगे से बिल्कुल थर्ड रो में जाएंगे तो कम्फर्टेबल तो नहीं इतना रहेगा, बट ठीक है किड्स के लिए है, छोटी हाइट के लिए ठीक है, 5 फुट 3-4 इंच बच्चों ठीक है उतनी हाइट के लिए, बट 6 फुट के लिए तो सेकंड रो या फर्स्ट रो ही है कंपैरेटिवली प्लस। लेकिन इसमें ये है कि बस थोड़ी चीजें हैं, जैसे इसमें भैया ने भी बताया कि जो प्रीमियम लुक आपके आगे फ्रंट में है जैसे फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं, तो इसका जो पैनल का सारा जो फिनिश है जैसे आपने सॉफ्ट टच ऊपर कहा आपने, इसका जो पूरा लेआउट कीस का है तो जो क्वालिटी वाइज है वो थोड़ा सा उसमें चीप लगता है, थोड़ा प्रीमियम है, हार्ड प्लास्टिक उसमें ज्यादा नीचे की तरफ, इसमें इतना हार्ड प्लास्टिक नहीं है। अच्छा, नेगेटिव की बातें अभी नहीं हुई है, वो करना चाहेंगे दर्शकों को बताना चाहेंगे अगर आप तो। भैया इसमें देखो एक ये है कि ठीक है एडवांटेज है कि पीछे आपको इलेक्ट्रॉनिक थर्ड रो मिलता है आपको और फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, बट पीछे में क्या है कि रिक्लाइन नहीं मिलता आपको फिर ऑटोमेटिक में। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई 6 फुट का जैसे मैं अगर पीछे बैठा तो मुझे वो रिक्लाइन थोड़ा सा चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा सा सीट आगे मिल जाती है मेरे को, जो नहीं का आप करूंगा वो मिल जाता है, ये मेरे को लगता है। प्लस एक्सेस जो पहले जो मॉडल में टंबल करके सीट आगे जाती थी वन टच दोनों बेंच थे पुरानी वाली में, इसमें क्या है वो आपका स्लाइडिंग है तो वो थोड़ा इन एंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है पुरानी वाली से, जैसे फॉर्च्यूनर में वो ठीक है प्लस है कि वो टंबल इजी हो जाती है, वो मेरे को लगता है कि ये दो चीजें इसमें है जो नेगेटिव मुझे पर्सनली लगते है कि होना चाहिए। आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली, फोर्ड के जाने ना जाने से कितना फर्क पड़ेगा? ये देखो फोर्ड ठीक है मैंने कभी आता है मतलब कि मन में ये विचार आता है आपके, ये गाड़ी भैया जो मैंने लेनी थी जो मैंने आपको बताया कि मैं हरप्रीत फोर्ड से पहले कराता था, जो वहाँ एडवाइजर है मैंने उनसे बात करी, मैंने मेल डाला जो उनका फोर्ड इंडिया पे है, तो जब मैंने इनका देखा कि सेटअप, क्योंकि दिक्कत कहाँ हुई कि जब इन्होंने अभी महिंद्रा से टाइप किया तो वो हुआ नहीं, क्योंकि महिंद्रा अपने सांगियों को लेके न्यूज में आ गया था, तो फोर्ड उस टाइम उन्होंने फिर जो उनकी पार्टनरशिप थी उन्होंने विड्रॉ कर दिया और जॉइंट वेंचर। तो अब जो मुझे लग रहा है जो इंडिया में मॉडल्स आने वाले हैं जो भी चीजें आने वाली है, क्योंकि इंडिया से भी ये जाएगा तो नहीं, इंडिया में है कि अब इन्होंने जो नई तरीके से जो क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड है जैसे जो इनके जो लैक कर रहे हैं फोर्ड फीगो और जो नीचे वाले मॉडल्स हैं उसमें सेल्स नहीं है अभी, सर्वाइव कर रहे हैं एंडेवर और एको स्पोर्ट, अगर आप शोरूम भी रहेंगे तो यही दोनों गाड़ियां हैं जो मैक्सिमम सर्विस में हैं। बिल्कुल, तो वो है कि इनको जो बेसिकली अब जो करना चाहिए इनको टारगेट की नीड क्या है, पार्ट्स इनके महंगे नहीं है, अगर मेरे प्लस पर अभी जैसे सर्विस कराई तो मेरे इसके पीछे के पैच चेंज होने हैं, तो वो मेरे को बताया उसने कि यही और कोई होता तो चेंज कर देता, उसने मेरे को दिखाया
वीडियो कॉल पे उसने उसको साफ करवाया, उसने बोला अभी चलेगी 6000 और। तो मुझे अच्छा लगा यार, करना होता है तो 6000 रुपए मेरे लग जाते, उसने बचा लिए टाइमली। तो मुझे लगा कि और 6-8 महीने में मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे। तो ये प्लस पॉइंट है जो फोर्ड वाले को ही पता है जो यूज कर रहा है। जैसे जैसे थोड़ी मार्केटिंग अच्छी करेंगे, जितने रिव्यूज ऐसे आते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत मार्केट में इनको होल्ड अच्छा मिल जाएगा। प्रोडक्ट तो इनके नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो। मेरे पास इनकी फोर्ड आइकन भी थी, वो मैं बहुत छोटा था उस टाइम, फादर ने ली थी, तो मैं ये 2005 की बात है, उसमें वो प्रॉब्लम्स थी फोर्ड की, पार्ट का सब कुछ का। लेकिन जब हमने एंडेवर ले रहे थे 2010 में, तब दिमाग में आया था, लेकिन उस टाइम फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा थी लोगों के पास, तो मेरे को लगा नहीं एंडेवर ही ठीक है। प्राइस का देखो फैक्टर था, वो 21 की पड़ती थी उस टाइम, वो 18 की पड़ती थी, वो हम रीसेल करते थे तो वो 4 लाख का फर्क आता था, तब पे भी तो ज्यादा कर रहे थे उस टाइम। आज भी यही है, अगर आज ये दिल्ली में 40 की है अराउंड, और फॉर्च्यूनर 45 की है, तो 5 लाख का फर्क है। और आज अगर आप रीसेल वैल्यू मार्केट में जाएंगे तो दोनों में 1 लाख रुपए का फर्क आता है, लेकिन प्राइस का भी तो फर्क है। बिल्कुल। और वो लोगों को लगता है कि रीसेल ज्यादा है या वो ज्यादा है, वो ठीक है, लोगों को एक कंसर्न लगता है, बट वैल्यू भी तो देखो कि इस अमाउंट में आपको मिल क्या रहा है मार्केट में, ये बहुत फर्क होता है। आपने हार्ड एंड मनी कहीं लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्व ने जो है काफी इनपुट दिए हैं आप लोगों को और हम लोगों को भी, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिली होगी। और वाकई में यार फोर्ड काफी अच्छा कर रही है, काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप कोई भी गाड़ी को चला लो, चाहे एस्पायर हो गई, फिगो हो गई, वो मतलब प्रॉपर वैल्यू देती है वो गाड़ी आपको, जिस मतलब जैसी आपकी नीड होगी उस हिसाब से। बिल्कुल, जो मटेरियल जो हम देख रहे हैं, जो इन्होंने यूज करा है, हर मतलब कि यहाँ पे भी जैसे कि थोड़ा सॉफ्टनेस और वो सारी चीज लग रही है, तो बड़ा ही मतलब अच्छा फील आता है कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी के अंदर उसमें चीज में बैठे हो। तो बढ़िया चीज है यार ये। इसमें भैया स्पेस पे अगर देखेंगे तो भैया का ये पोस्टर है, तो कन्वीनियंट कम्फर्टेबल है, अच्छा खासा है। अच्छा, मैं बिल्कुल उसमें बैठा हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है आपको काफी सारे मोड देखने को मिल जाते हैं। ये मैं लगाता हूँ तो ये स्नो मड ग्रास मोड यहाँ पर दिखा रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको सारे। यहाँ से चेंज कर रहा हूँ मैं, और ये देखिए ये 4x4 लॉक, तो ये। तो दोस्तों बात बातों में सारी चीजों का आपको पता चल गया होगा, हमने बातों बातों में इसका और फॉर्च्यूनर का कंपैरिजन भी करने की कोशिश करी है, और एक यूजर जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाता है, क्योंकि उनके पैसे खर्च हुए हैं कि इस गाड़ी पे क्यों गए, उसमें क्या पसंद नहीं था इनको। गाड़ी दोनों ही बहुत बढ़िया है वैसे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर फोर व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, टू व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, वेलकम भैया, आपने रिस्पॉन्ड किया मेल का, थैंक यू।